ये मत कहो किसी से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। नमस्कार, आज फिर एक बार आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। नाम से ही इसका काम क्लियर है। पोटेंशियल और मीटर दो टर्म हैं। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या उसी से मिलता जुलता ईएमएफ मेजर करेगा। ऐसे तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ वोल्टमीटर से भी मेजर हो सकता है, लेकिन वोल्टमीटर आइडियल हो तभी वो एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। ऐसे आइडियल वोल्टमीटर के लिए उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पोटेंशियोमीटर को जब हम यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में फिर से नल डिफ्लेक्शन टेक्निक ही हम यूज करेंगे, और अगर नल डिफ्लेक्शन टेक्निक यूज करते हैं तो ऑपरेटर से रिलेटेड कोई मेजरमेंट हमको नहीं करना है, और एज ऑपरेटर से रिलेटेड कोई मेजरमेंट नहीं करना है तो इसकी एक्यूरेसी इन कंपेरिजन टू अदर डिवाइसेस ज़्यादा होगी। इसीलिए इसका नाम आइडियल वोल्टमीटर भी है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई पोटेंशियोमीटर इज़ प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर। सिंपल सा रीजन है, ये नल डिफ्लेक्शन टेक्निक पे काम करता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि वोल्टमीटर बेकार है। वोल्टमीटर अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और पोर्टेबिलिटी के कारण जाना जाता है। आप लैब में कहीं भी उसको सेट करके आप रीडिंग ले सकते हैं। हाँ, जहाँ एक्यूरेसी थोड़ी कम चाहिए, वोल्टमीटर ज़्यादा परफेक्ट है। पोटेंशियोमीटर का साइज 1 मीटर के आसपास वुडन ब्लॉक पे अरेंजमेंट होता है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो वैसे केसेस में इसका अरेंजमेंट और सर्किट डायग्राम भी थोड़ा सा वोल्टमीटर के कंपेरिजन में डिफ़िकल्ट है। फिर भी आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज, ये टॉपिक एक्सपेरिमेंट वाइज, ये टॉपिक न्यूमेरिकल वाइज सभी केस में काफ़ी दम रखता है, ऐसा बोल सकते हैं। कोशिश करेंगे जितनी आसानी से आपको इसको समझा सकें उतनी आसानी से समझाएं। तो जैसा कि ये तीन फंक्शन इसके लिखे हुए हैं, ये तीनों फंक्शन बारी बारी से हम लोग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्किट। जब एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो जनरली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में स्टूडेंट की ये चाहत होती है कि सर्किट पहले से किया हुआ मिले, और नहीं तो किसी तरह से कर दिया जाए। खैर, सर्किट बनाना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके सर्किट को बनाने के लिए जो मैं अभी ड्राइंग करूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आप सबसे पहले कुछ लाइंस खींच लीजिए। ये लाइंस क्या हैं ये बात मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके बाद से ये मेटलिक स्ट्रिप से कनेक्शन इसका कर लीजिए। मेटलिक स्ट्रिप इसलिए क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो जो रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ए जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। और इसको स्क्रू के हेल्प से टाइट कर दिया जाता है। अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो साफ दिखेगा ये एक ही वे में कॉमन पाथ में कनेक्टेड हैं, इसीलिए आप बोल सकते हो कि ऑल द वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर पोटेंशियोमीटर मांगोगे लैब में आप, तो पोटेंशियोमीटर के नाम पर यही वायर का अरेंजमेंट वुडन ब्लॉक पे आपको मिल जाएगा। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का दिखता है, अलग बात है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं और पोटेंशियोमीटर खैर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, अगर आप इस पॉइंट को ए बोलते हो, इस पॉइंट को बी बोलते हो, तो ए और बी के बीच आप जितना भी लंबा वायर कनेक्ट कर लो। जनरली यहाँ पर एक स्केल कनेक्टेड होता है और उस स्केल से लेंथ मेजर करते हैं। 1 मीटर स्केल, 1 मीटर लॉन्ग, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर का हो जाएगा, ये भी 1 मीटर का हो जाएगा। इस तरह से 1 मीटर, 1 मीटर, कुल मिलाकर के लेंथ 4 मीटर हो गया। 4 मीटर को सीरीज में हम ऐसे स्ट्रेच करके भी दिखा सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर तब तो स्ट्रेट डिजाइन क्यों नहीं होता। तो स्ट्रेट डिजाइन इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर स्ट्रेट डिजाइन करेगा तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा
हमारे लैब का साइज भी कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। ओके, ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये रेजिस्टेंस वायर है जो बेसिकली दो मटेरियल कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा जिगजैग पाथ में दिखा देते हैं, जिगजैग पाथ से रेजिस्टेंस को अक्सर दिखाते आए हैं। तो ये आपका जिगजैग पाथ वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। चलो अब बात करें कनेक्शन का। तो कनेक्शन करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप टॉप एंड से कनेक्शन स्टार्ट करो और टॉप एंड से सबसे पहले रिहोस्टेट जोड़ लो, की जोड़ लो। रिहोस्टेट और की इसलिए क्योंकि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, और अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो आपको कनेक्शन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके बाद से आपको एक एमीटर जोड़ना है और देन आपको सेल। सेल अरेंजमेंट में आप ध्यान दो कि जनरली पॉजिटिव एंड बॉटम एंड पे ही रखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा जब रीडिंग लोगे तो। ओके, ये इसका सर्किट हो गया। इस सर्किट में वायर जो मैंने दिखाया कि आपको 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक ऐसे 10 मीटर वाला भी पोटेंशियोमीटर मिलेगा। 10 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आगे चल के सेंसिटिविटी जब बताएंगे तो इसमें क्लियर होगा। अगर इसके वायर का लेंथ L हो तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात करें तो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज आपने यहाँ पर बात ही किया कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर स्ट्रेच किया गया है। ओके, अब देखो इस सर्किट के कनेक्शन की बात करें, मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की भी बात आपसे कही है और उसी बात पे आते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर्किट कंप्लीट हो तो देखो ए एंड से एक सेल कनेक्टेड है और सेल आप कनेक्ट कर दो। जनरली ये सर्किट जो है ऑक्सिलरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट या कभी कभी ड्राइविंग सर्किट कहा जाता है, तो इस सेल का नाम ऑक्सिलरी सेल या ड्राइविंग सेल या प्राइमरी सेल भी होता है। तो इसको जनरली ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद से एमीटर जो यूज कर रहे थे, हाँ, यहाँ पर एमीटर जो यूज होगा वो बेसिकली थोड़ा सा कम रेंज का, क्योंकि लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर काफ़ी ज़्यादा है और लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर अगर ज़्यादा है तो करंट कम होगा, इसीलिए मिली एम्पियर ज़्यादा सुटेबल होगा। हाँ, पोलैरिटी जो कनेक्ट कर रहे हो उसमें भी ध्यान देना है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। सेल का कनेक्शन उल्टा करेंगे तो आपका एमीटर का भी कनेक्शन उल्टा हो जाएगा, और इससे आपको कनेक्ट कर में अगर गड़बड़ भी हो जाए तब भी आप पता कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। एमीटर का डिफ्लेक्शन या तो अपोजिट होगा या डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एनीवे, इसके बाद से ये एमीटर जो आप यूज कर रहे हो बेसिकली करंट मेजरमेंट के लिए। हम नहीं चाहते सर्किट में करंट मेजर करेंगे, हम सर्किट में सीधे सीधे करंट कैलकुलेट करेंगे, हम एमीटर नहीं लगाते। की जो है वो सर्किट के कंट्रोल के लिए है, चलिए कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट में ये जो रिहोस्टेट लगा है उस रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस कुछ आप एज्यूम कर लें, जनरली बुक में देता है आर मान लीजिए, एंड देखिए बी पॉइंट से कनेक्शन हो गया। तो ये जो सर्किट है लैब का उसको आप नॉर्मल सर्किट में इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये सर्किट आपके लिए काफ़ी ईजी एंड हैंडी रहेगा डिस्कस करने में। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसी तरह का सर्किट आपको दिखाया हुआ रहेगा, तो हमको सर्किट का नेचर मिल गया। अब ऐसा सर्किट है तो मैंने बोला था कि करंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो करंट कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर हम आई की बात करें तो नेट ईएमएफ सर्किट में ई नॉट है, बाय नेट रेजिस्टेंस की बात करें, ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस आर डब्ल्यू माना है, तो आपको यहाँ पर आर डब्ल्यू प्लस रेहोस्टेट का रेजिस्टेंस आर, और अगर सेल और प्राइमरी जो आपने यूज किया है वो रियल सेल हो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इसको आप स्मॉल आर एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पर प्लस स्मॉल आर भी होगा। ओके, अगर सेल आइडियल है, इफ़ सेल इज आइडियल, तो आइडियल सेल के केस में आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और उस केस में आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर डब्ल्यू प्लस आर सीधे लिख सकते हैं, याद रखेंगे।
अगर आपने इसमें रिहोस्टेट भी नहीं यूज़ किया है, अगर नो रिहोस्टेट, अगर आपको ज़रूरत नहीं है बहरी करने की, तो उस केस में आर भी जीरो हो जाएगा और तब उस केस में आई इज इक्वल टू ई नोट बाय आर डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये करंट की एक्सप्रेशन है डिफरेंट केसेस में, आगे चल करके हमको न्यूमेरिकल जब बनाना है तो काम आएगा। होप आपको क्लियर होगा। जिनको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे। अब देखिए, हमको चेक करना है आपको सर्किट। सबसे पहले आप इसका स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑन करने के बाद से करंट फ्लो करने लगेगा, मिलियामीटर अपने एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, एक पार्टिकुलर करंट तक फिक्स करके। और उसके बाद अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जनरली गैल्वेनोमीटर के साथ एक यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ होना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए, गैल्वेनोमीटर बड़ी जल्दी ख़राब नहीं होता, और ऐसे भी कौन सा अपना है, लैब का है, तो हम बिना इसके प्रोटेक्शन दिए हुए ही यूज़ कर लेते हैं और एक जॉकी बना लेते हैं। जॉकी बनाने के बाद हम इसको पॉइंट ए पे ही टच करते हैं। अगर पॉइंट ए पे ही टच करेंगे तो ए और ए दोनों कॉन्साइड किया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वहाँ कोई करंट रन नहीं करेगा, और कोई करंट रन नहीं करेगा इसीलिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। जैसा कि सेल का ओरिएंटेशन दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सेल जो करंट दे रहा है वो इस तरह से होते हुए सिंगल डायरेक्शन में करंट दे रहा है। अब आप अगर गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ, तो गैल्वेनोमीटर वन साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर दूसरे जगह टच किया, तीसरे जगह टच किया, ऐसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा और सबसे हाईएस्ट डिफ्लेक्शन आपको इस पॉइंट पे मिलेगा अगर बी पॉइंट पे टच कर दिया तो। ओके, सभी में सीरीज में करंट के डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर करंट अगर दिखाना भी चाहें तो आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, हाँ, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर जोड़ दिया। अगर आप फिर से ला करके जो टचिंग पॉइंट रखते हैं इसी ए पॉइंट पे, यहाँ पर टच करेंगे तो टच करने के बाद से वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस देता है और कॉमन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको डिफरेंट लोकेशन पे टच करेंगे इस तरह से, तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको इस एंड के बीच मिलेगा। यानी इस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वोल्ट मीटर रीड करके अभी बता देगा आपको। ओम्स लॉ से अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात करें तो वी इज इक्वल टू आई आर, इसको आप लिख सकते हो आई रो एल बाई ए। ओके, मैंने बोला था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखना है, मटेरियल आपने कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन चूज कर लिया है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा और आई भी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं इंटू एल। यानी वी इज इक्वल टू के एल, ओके, वी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये इसका प्रिंसिपल मिल गया। तो अगर आपको कभी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करनी है तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपके पास भी इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर के की बात करेंगे तो के इज इक्वल टू आपके पास आएगा भी बाय एल, जो कि आपका आई रो बाय ए के भी इक्वल होगा। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अगर ये जो नो रिहोस्टेट के केस में पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते तो आपके पास K इज इक्वल टू आई रो बाय एल डब्ल्यू आता, जो कि आई रो बाय सॉरी ए आता, जो कि ई नोट बाय एल डब्ल्यू के इक्वल होता। तो कभी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। होप आपको प्रिंसिपल क्लियर होगा। और ये जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो भी आपको अब तक ठीक ठाक लगा होगा। ये नॉर्मल पोटेंशियोमीटर का सर्किट, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें करंट, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, सब कुछ आपको बता दिया गया। अब आप एक काम करो, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो और फिर हम लोग आगे कुछ देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस
जो हमारे पास आते हैं उनकी डिस्कशन की बात करें वन बाय वन करके, तो एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का रहता है 2 वोल्ट, ओके, उसमें कोई रिहोस्टेट कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है, एज्यूम कर लो 500 मिली वोल्ट का, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको कहीं बैलेंस पॉइंट देता है, मान लो लेंथ ऑफ द वायर फिलहाल 1 मीटर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये एज्यूम करके चलते हैं, आपको इसका बैलेंसिंग लेंथ पता करना है, आप एक्स मान लो, ओके। इस केस में मैंने पहले ही बोला कि अगर ज़रूरत पड़े तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका पता कर लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास ई नॉट डिवाइडेड बाय LW लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये 2/1 हो जाएगा, अगर ज़रूरत होगा तो यूज कर लेंगे। अभी अगर कहीं पर भी आप I इंटू आर निकालोगे तो I इंटू आर आपके पास I रो L बाय A, ओके, जो K इंटू L के बराबर होगा, ओके। फिलहाल इस सेल का यूज आप भूल जाओ, यहाँ पर मान लो कि ऊपर वाला सेल एक करंट I दे रहा है, बिकॉज ये सेल से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप करंट के डायरेक्शन को शो नहीं करोगे। हम पोटेंशियोमीटर के सभी क्वेश्चन को किरचॉफ्स लॉ ही से सॉल्व करेंगे, और अगर किरचॉफ्स लॉ की बात है तो इस पॉइंट को जे मान लो, जो कि वाला ये ए, और इसको ई मान लो, वैसे केस में आपको क्या मिलेगा वो किरचॉफ्स लॉ से यूजिंग KVL इन मेस A, J, E और A में। यहाँ से यहाँ तक हमको रेजिस्टेंस नहीं मालूम, R एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल, करंट I जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव लेना ही है। अब इस तरफ अगर आप चले तो इस तरफ आप चलने में एक सेल मिल रहा है, साइन कन्वेंशन यूज कर लो, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, इसको अगर आप अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद से E इज इक्वल टू I इंटू आर आ जाएगा। फिलहाल I इंटू आर इक्वल टू KL मैंने दिखाया है, इसको आप K इंटू X लिख लो, क्योंकि लेंथ को आपने X एज्यूम किया है और आपको X बैलेंसिंग लेंथ पता करना है, ओके। तो फिलहाल X इज इक्वल टू E बाय K, E का वैल्यू 500 मिली वोल्ट था, यानी -10^3, और K आपके पास 2/1 मतलब 2 हो गया, सॉल्व कर देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, बस किरचॉफ्स लॉ पहले से आपको याद होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा चेंज करें, सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 डील करना शुरू करेंगे, 12 मिली वोल्ट का एक बैटरी, यहाँ 48 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट देता है, और यहाँ पर लेंथ बोला 1 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टर R दे दिया और इस R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो इस केस में आप K इज इक्वल टू ई नॉट बाई LW नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तब था जब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ जो रेजिस्टेंस है अरे वो भी तो कुछ ड्रॉप करेगा पोटेंशियल का, इसलिए आप डायरेक्टली अब के इज इक्वल टू उस तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होता तो LWA कर लेते, तो एक तो तरीका हमारे पास वो है, बट चलिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक काम करें, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 48 सेंटीमीटर का आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो 4.8 ओम होगा, लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वहाँ भी आपको दिखाया हुआ है, ओके। अब आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से फिर से KVL यूज करेंगे, और KVL यूज करने के बाद से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर I की ज़रूरत होगी, जब यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात अभी भी नहीं की गई है, इसीलिए इस केस में I इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पर 2 वोल्ट है, ओके, बाय R प्लस RW,
अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो है 12 मिली वोल्ट। तो 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू आई ई नोट बाई आर, ई नोट आपका 2, आर नहीं मालूम था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर मालूम था, और इनटू ये जो आर है इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, ओके, जो हम लोग बात कर रहे थे 4 पॉइंट, इसको आप R1 मान लीजिए, फिलहाल आपके लिए ज़रूरत यही है। तो R1 आपका ये 4.8 ओम हो जाएगा, तो इनटू आप 4.8 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 बाय 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 जो कि 800 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ से R इज इक्वल टू आपके पास 790 ओम आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए। इसी क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर देता है। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 2 ओम इंक्लूड कर दिया, एक नया क्वेश्चन हो जाएगा, और तब आपसे आर पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने बताया था कि उस केस में आपको आई निकालने के लिए आर भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस आप आर कर लीजिए, और प्लस आर आपके पास 2 वहाँ था तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ऐसे केस में जो आंसर होगा वो आपके पास 788। कभी कभी इसी क्वेश्चन का एक नया नेचर आता है, एक नया रूप आपके पास आता है, उस नए रूप ऑफ क्वेश्चन में, नए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में क्या है कि जो सेल नीचे वाला है उसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी देता है, एज्यूम कर लीजिए 0.5 ओम। अब ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन हो गया, इस केस में आपको फिर से आर का वैल्यू पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे लेयर बाय लेयर अपना लेवल चेंज कर रहा है, बस कंसेप्ट सीखना है, एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे केस में अब देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ्स लॉ लगा करके यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमने आर माना था R1, तो आई इंटू R1 हो जाएगा प्लस यहाँ से E, और यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आई इंटू आर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको जीरो होगा, और आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वहाँ फिर से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, देर विल बी नो चेंज इन आंसर। ओके, तो यहाँ अगर बैलेंस पॉइंट मिलता है, बैलेंस कंडीशन की बात करें, तो नीचे का इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, बशर्ते आप इंटरनल रेजिस्टेंस के मेजरमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। ओके, उसमें तो आपको एक एडिशनल रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। जहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, इस वीडियो में सिर्फ पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन वाइज, जैसे जैसे मैंने चेंज किए, अभी तक आपको मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए एक ही प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है, और किरचॉफ्स लॉ को ही यूज करके हम सारा क्वेश्चन डील कर रहे हैं। एनीवे, एक और आपके पास अच्छा क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए कि आपको एक सेल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कनेक्टेड है, नीचे रेजिस्टेंस का वायर है, ओके, और इसके साथ एक सेल और जिसका 7 गैल्वेनोमीटर यूज करके आपको बैलेंस पॉइंट कहीं पे फाइंड करना है या दिया हुआ है। ओके, ऐसे केस में सपोज कर लीजिए कि ये आपका 20 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस आप 4 ओम मान लीजिए, सेल यहाँ 12 वोल्ट का है, 10 मीटर रेजिस्टेंस वायर का लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसके रेजिस्टेंस को भी आप चाहें तो मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए 6 ओम 10 ओम, ओके चलो आप 6 ओम ही मान लो इसको कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ओके, अब जनरली आपको बोला क्या जाता है
ये जो ऑक्जिलरी सेल है, ड्राइविंग सेल है या प्राइमरी सेल है, इसका पोटेंशियल सेकेंडरी सेल से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ है भी। अब आपको बोल दिया जाता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है और अब आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी कि यस, इस रेजिस्टेंस वायर के लेंथ पे हमको मिल जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप करंट निकाल लें, ओके, क्योंकि ये तो बैलेंस है, इधर से कोई करंट जा नहीं रहा है, टोटल करंट आपका इधर से ही जाएगा, और ये करंट अगर आई एज्यूम कर लिया तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑक्जिलरी सेल का बाय टोटल रेजिस्टेंस, ओके, 6+4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखो, आपको यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे, 2 ओम का करंट जा रहा था तो 8 वोल्ट आपका यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, 4 × 8। अब रह गया 12 वोल्ट का सेल, तो 12 वोल्ट के सेल के लिए यहाँ पर अगर आप बैलेंसिंग लेंथ निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? आप एक काम कर लो, के निकाल ही लिए थे, यहाँ पर इस टर्मिनल के बीच में आपको 12 वोल्ट बचा है, बाय आप यहाँ से लेंथ की बात करो, 10 मीटर था, इट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालना चाहें, यहाँ भी आपको 12 वोल्ट है, और यहाँ के लिए लेंथ आप x मान लो, तो बाय x यहाँ से x इज इक्वल टू आपको जो रिजल्ट आएगा वो 10 मीटर आएगा। यानी यहाँ पर डिफ्लेक्शन एकदम एंड में, यहाँ पर टच करने पे नल पॉइंट मिलेगा, एंड अगर एकदम एंड में नल पॉइंट मिल रहा है तब तक तो आपको पोटेंशियोमीटर वन साइड डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा, ओके, ऑल दो यहाँ पर एंड पे मिल जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा और चेंज कर दो तब पता चलेगा। हाँ, केस हम वही रख रहे हैं, मान लो कि इसको 16 वोल्ट कर लिया, जब आप इसको 16 वोल्ट कर लोगे तब भी ये 20 से कम है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, सारा पैरामीटर तो सेम है, ओके, सारा पैरामीटर सेम होने के बाद अब यहाँ पर अगर आप 16 रखोगे तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लें, बिकॉज इसके बीच में हमको केवल 12 वोल्ट ही मिल रहा है, 8 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो गया, 20 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 वोल्ट कंजम्पशन के कारण 12 वोल्ट मिल रहा है, और इधर से हम 16 वोल्ट का सेल यूज कर रहे हैं नल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए। 12 वोल्ट तक तो एंड में मिल गया था, उसके बाद अगर हम चाहेंगे बैलेंस पॉइंट तो हमको उसके बियॉन्ड मिलेगा, और उस बियॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कैलकुलेशन आप चेक कर लें, तो 160/12 इट इज़ इक्वल टू 12 × 12 40 × 12 = 36 33.3 मीटर के आसपास आंसर आएगा, मतलब 13.3 मीटर, मतलब ये लेंथ और इस तरफ, यानी इस केस में आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगा। तो पहली बात, इन जनरल जो ऑक्जिलरी सेल है उसका पोटेंशियल सेकेंडरी सेल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी सेल से ज़्यादा होने के बाद भी हमको देखना पड़ेगा कि वो जो पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर कर रहा है वो सेकेंडरी सेल से ज़्यादा है कि नहीं। अगर सेकेंडरी सेल से ज़्यादा वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो वहाँ बैलेंस लेंथ आपको उस पोटेंशियोमीटर वायर पे नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बात आप याद रखना। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वो बेसिकली, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 डील करेंगे, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे एक्सरसाइज में 3.22, ये एनसीईआरटी का 3.22। इस क्वेश्चन में आपको एक सेल दिया है, एक सेल के साथ गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किया हुआ है, और आपको नीचे ऑक्जिलरी सेल, नीचे सेकेंडरी सेल जोड़ने के लिए बोल रहा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस का भी कनेक्शन किया हुआ है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर है और जॉकी बना हुआ है, यहाँ पर एक की लगा हुआ है इस बीच में,
की। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछेगा आपसे, जैसे बोला कि एक बार यहाँ सेल जो लगा है 1.02 वोल्ट का लगा है, तो हमको बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर कहीं 67.3 मीटर पे मिला, सपोज कर लीजिए कि यहाँ सेंटीमीटर पे मिला, ये 2 वोल्ट का सेल था, 0.4 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल इसका, और जब इसी में एक नया सेल लगा है, एक ईईएमएफ का सेल लगा है, तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होकर के 82.3 सेंटीमीटर हो गया। आपको इस ई का वैल्यू निकाल लेना है, तो फिलहाल आपको ई के वैल्यू निकालने के लिए सिंपली अगर ईवन से बैलेंस है तो जैसा हम बता रहे थे यहाँ तक के रेजिस्टेंस को आप आई इंटू आर वन ले लो, माइनस में होगा क्योंकि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो, यानी ईवन इज इक्वल टू आपके पास आई इंटू आर वन जो के एल वन के बराबर होगा। पिछले केस में मैंने दिखाया था कि आई इंटू आर जो है वो के एल के बराबर कैसे हो रहा है। जब सेल यहाँ पर चेंज किया ईएमएफ का, ओके, तो ईएमएफ का चेंज करने के बाद से आपको सेकेंड लेंथ मिला, इसी हिसाब से आपको ई टू इज इक्वल टू के एल टू मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर पुट कर लो तो ई वन बाय ई इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू, यानी ई इज इक्वल टू एल टू बाय एल वन इंटू आपके पास ई वन आ जाएगा, ये 82.3, ये 67.3 इंटू 1.02, ये 1.25 वोल्ट आ जाएगा जो इसका आंसर है। इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, यहाँ जो 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसका पर्पस क्या है। तो बीच में बताते बताते मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उससे हाई करंट कभी फ्लो नहीं हो। आप तो नल करंट फाइंड कर रहे हो, तो नल करंट वाले केस में तो जीरो हो गया, लेकिन आप जब इधर टच करते हो या उधर टच करते हो तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से जा करके हाई करंट पास हो जाता है और तब गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो इसलिए आपको करना क्या है, इसके साथ हाई रेजिस्टेंस जोड़ देना है, पर्पस यही है। अब पूछा है कि वुड द बैलेंस पॉइंट बी अफेक्टेड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, तीसरे क्वेश्चन में इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी का ये 3.22 एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको देखने के बाद, या इसको देखने के पहले भी देख सकते हैं। तो ऐसा है कि इस ब्रांच से तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है ना, नल डिफ्लेक्शन टेक्निक है, तो अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो नहीं रहा है, और अगर यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के मौजूदगी के कारण नल डिफ्लेक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वुड द मेथड वर्क इफ़ द ड्राइविंग सेल और पोटेंशियल 1 वोल्ट, यहाँ पर बोला है 1 वोल्ट, ओके, विल बी यूज्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि किसी भी केस में ड्राइविंग सेल या ऑक्जिलरी सेल या प्राइमरी सेल का पोटेंशियल सेकेंडरी सेल से कम नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर, ओके, पिछले क्वेश्चन में यही मैं समझा रहा था आपको या बता रहा था। अब एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि विल द सर्किट वर्क फॉर डिटरमाइनिंग ईएमएफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट, अगर सोचो फ्यू मिली वोल्ट, तो अगर ये कुछ मिली वोल्ट हो, मतलब 1 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट लाइक दैट, तो वैसे केस में मैंने बोला कि जितना इसका पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट कर रहा है बैलेंस पॉइंट। अब इसका बैलेंस पॉइंट एकदम बॉटम एंड के पास ही मिलेगा, जीरो एंड के पास ही मिलेगा, और अगर जीरो एंड या बॉटम एंड के पास ही इसका बैलेंसिंग लेंथ मिलता है या फ्यू मिलीमीटर मिलता है तो मेजरमेंट भी आपको डिफ़िकल्ट होगा, और अगर मान लो कि फ्यू मिलीमीटर आपने मेजर कर भी लिया तो वो सही नहीं होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा, ओके। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे आपके लिए। इसमें एक और क्वेश्चन है, इज बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं, एक बार जब आपने सर्किट को असेंबल कर दिया और सर्किट असेंबल करने के बाद अगर आप देखो
तो इस रेजिस्टेंस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेंटेन रहेगा, एक कांस्टेंट करंट मिली एमीटर के हेल्प से आपने मेंटेन कर दिया है, तो वहाँ पर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण बैलेंसिंग लेंथ वैरी नहीं करेगा। हाँ, सेटअप अगर चेंज करें तो भी ऐसे कि करंट चेंज करेगा, और करंट चेंज करने से बैलेंसिंग लेंथ चेंज करेगा। ओके, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।